नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलिगेशन मिक्सचर। साथियों, इस एलिगेशन मिक्सचर में इस बार मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जिसमें कि तीन बर्तन होते हैं, कई बार चार बर्तन होते हैं। पहले का कुछ पानी दूसरे में डालते हैं, दूसरे का पानी फिर कुछ तीसरे में डालते हैं, फिर तीसरे का पानी वापस पहले में डालते हैं, घुमा फिरा कर हमें लास्ट क्वांटिटी बताई जाती है। तो मैं आपको ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जिसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक तरीके से भी समझाऊंगा। साथियों, उन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एलिगेशन एंड मिक्सचर का ये वीडियो नंबर 5 चल रहा है। जी हाँ, वीडियो नंबर 5। इससे पहले जो आपको होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क आप कंप्लीट करें और पुराने चारों वीडियो देखें तभी आगे बढ़ें। अदरवाइज़ फिर क्या है, देख तो लोगे, ठीक है, मतलब खाना खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, डाइजेस्ट तो हो ही नहीं रहा ना, तो खाना पहले डाइजेस्ट भी कर लेवे आप। क्वेश्चन नंबर 107 तक मैंने होमवर्क दिया था और कुछ एक एक्सरसाइजेज भी मैंने दे रखी है, शायद 8, 12 और 17, जो कि इस शीट के पीछे है। जिन लोगों के पास शीट अवेलेबल है हार्ड कॉपी में बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया है, और शीट जिनके पास अगर हार्ड कॉपी में होगी उनके पास इस फॉर्म में होगी, येलो रंग की शीट होगी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ इसलिए इसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, और जिनको डाउनलोड करनी है वो फटाफट से डाउनलोड कर ले, उसमें सारी एक्सरसाइजेस भी आ जाएगी एडिशनल। साथियों, टेलीग्राम पे जो लोग जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल दे रखी है, वहीं से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें फिर आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये सब कुछ, चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखें, तीन बर्तनों में पानी भरा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, वैसे तो काफ़ी बड़ा साइज है इसका। तीन बर्तनों में पानी भरा है और पहले बर्तन का 1/5 दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, दूसरे का 1/13 तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 12 लीटर पानी हो तो प्रारंभ में कितनी कितनी मात्रा थी। क्लियर? थ्री यूटेंसिल्स आर फिल्ड विथ वाटर, 1/5 ऑफ फर्स्ट यूटेंसिल पोर्ड इन सेकेंड यूटेंसिल, आफ्टर दैट 1/13 ऑफ सेकेंड पोर्ड इन थर्ड वन, फाइंड आउट द क्वान्टिटीज ऑफ वाटर इन ईच यूटेंसिल एट बिगिनिंग इफ एट द एंड ऑफ ईच यूटेंसिल हैज़ 12 लीटर्स ऑफ वाटर। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो प्रश्न है भैया, प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, आपको आराम से दिख भी रहा होगा अभी। और जो भी साथी आप में से स्वयं इसे करना चाहें वो प्लीज़ वीडियो पॉज करके इसे कर सकते हैं, और जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ध्यान से समझें आप ये क्वेश्चन, पहले मैं डिटेल इसकी शॉर्ट में लिख देता हूँ फिर मैं इसकी नेक्स्ट ट्रिक की बात करूँगा। देखिए, सपोज पहला बर्तन है ए, सपोज पहला बर्तन है ए, दूसरा बर्तन है बी और तीसरा बर्तन है सी। पहला जो प्रोसेस हुआ, पहले प्रोसेस में क्या हुआ भैया, ए बर्तन का 1/5 पानी बी बर्तन में उडेला गया, फिर कुछ ना कुछ क्वांटिटी इनकी नहीं आ गई होगी, फिर बी का जो है 1/13 पानी तीसरे बर्तन यानी सी में उडेला गया। ये दोनों प्रोसेस ख़त्म होने के बाद लास्ट में बचा 12 लीटर 12 लीटर और 12 लीटर, ये इनकी लास्ट स्टेज हमें मालूम है। तो ये सब कुछ जो मैंने व्हाइट रंग से लिखा है आपको दिख रहा है, ये व्हाइट रंग से लिखा हुआ केवल और केवल वो है जो क्वेश्चन का पार्ट है, अभी हमने सॉल्यूशन शुरू नहीं किया। जब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो देखते हैं, ये हमेशा रिवर्स शुरू होगा, पीछे से शुरू होगा साथियों, तब जाके हमारा आंसर आएगा। देखिए, मैं अगर किसी भी चीज़ में से 1/13 निकाल लूँगा तो बताइए बचेगा कितना, बिल्कुल आसान है, 13 में से गया तो 12, 12/13 बी बचा, तो बी का 12/13 जो बचा वो मुझे मालूम है 12 के बराबर है। ऑल क्लियर? ये 12 से 12 कट जाएगा और बी इज इक्वल टू आ जाएगा 13 यानी 13। अब मुझे बताइए, गांधी जी मरने से पहले क्या थे? गांधी जी मरने से पहले क्या थे? अरे बहुत आसान है, गांधी जी मरने से पहले जिंदा थे। हाँ, जिंदा थे। देखिए, ये बी 12 हुआ, 12 होने से पहले ये क्या था? 12 होने से पहले ये 13 था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 13। साथियों, जब नोट्स परफेक्शन से बनाने हो तो इस पूरे को बनाओ, इसको पूरे को कोड दे दो सपोज एट द रेट, और ये एट द रेट उठा के यहाँ रख दो कि भैया ये 13 कहाँ से आया, 13 आया एट द रेट से, एट द रेट को देखोगे 10 साल बाद में देखोगे तो भी याद आ जाएगा आपने कैसे निकाला था। क्लियर? अब देखिए, अब ये 13 का 1/13 होता है एक, मतलब 13 में से क्या कम करूँ कि 12 आ जाए, तो भैया ये एक। क्लियर? अब ये एक कहाँ डाला साहब? एक डाला सी में, तो मुझे बताइए सी एक जोड़ने के बाद 12 हुआ ना। अब बताओ गांधी जी मरने से पहले क्या थे? बिल्कुल सिंपल है, जिंदा थे। ऐसे ही जो सी है
वो एक जोड़ने पर 12 हुआ, तो ये 12 होने से पहले क्या था? भैया 12 होने से पहले ये 11 था। और क्लियर? अब मैं ये सेकंड स्टेप इस पूरे क्वेश्चन का ख़त्म कर चुका हूँ, इसका कोई लेने देना नहीं रहा है। आपको अपना सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ काटना नहीं है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए काटा है। चलिए वापस ठीक कर देता हूँ। अब जब सेकंड स्टेप से मैं निपट गया तो मैं आऊँगा वापस कौन से स्टेप पर? फर्स्ट स्टेप पर। देखिए, अच्छा सेकंड स्टेप में ये एज इट इज़, क्योंकि देखिए सेकंड स्टेप में ए से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो ए 12 का 12 जैसे का तैसा, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में एज इट इज़, रहेगा विथ नो चेंज। क्योंकि आप देख रहे हैं सेकंड सेकंड स्टेप में दूसरे बर्तन का पानी तीसरे बर्तन में डाला है, तो पहले बर्तन से क्या फ़र्क पड़ता है? पहला बर्तन तो एज इट इज़ रहेगा, कोई नहीं। अब आते हैं हम वापस, वापस अगर हम आते हैं, और क्या ये कलर दिखाई देगा? बहुत मुश्किल से क्या ये कलर दिखाई देगा? बहुत मुश्किल से। तो कौन से कलर से लिखें भाई? चलिए वाइट से लिख देते हैं। तो अब अगर मैं इस स्टेज पर आता हूँ, तो देखिए ए का चूंकि 1/5 निकाला गया है, अब अगर 1/5 निकालूंगा तो बचेगा कितना भैया? 4/5। तो जो ए का 4/5 है वो आप देख सकते हैं 12 के बराबर है, तो ये मैंने रख दिया 12। 4 से कटेगा 3 बार, 4 3 12 और 5 3 15, मेरा आंसर आ जाएगा ए बराबर 15। तो ए पहले क्या था? ए किसी ज़माने में 15 रहा होगा, 15 में से 3 माइनस किया तो 12 आ गया। ये 3 कहाँ गया भैया? ये 3 गया बी में। अब बताओ, जो 3 जोड़ने के बाद 13 हुआ ना, तो 3 जोड़ने से पहले क्या था? 3 जोड़ने से पहले था 10। और साथियों ये नो चेंज एज इट इज़, 11 का 11, और ये मेरा आंसर आ गया कि इन तीनों बर्तन की शुरुआत में कितना पानी था। तो साहब इन तीनों बर्तन की शुरुआत में पानी था 15 लीटर, 10 लीटर और 11 लीटर। दैट्स इट, ये मेरा आंसर है, 15 लीटर, 10 लीटर और 11 लीटर। आप इसे इत्मीनान से कॉपी कर सकते हैं, ये पहला तरीका था। फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट और दूसरा और बहुत अच्छा तरीका भी बताऊंगा। अब होपफुली आपको इजीली दिखाई पड़ रहा होगा, इत्मीनान से इसे पूरा पूरा आप कॉपी कर सकते हैं। नहीं करा है कॉपी, प्लीज आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के लिए साथियों मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादा माथापोड़ी नहीं करनी है, स्क्रीनशॉट कभी नहीं लेना है, हमेशा अपनी नोटबुक रजिस्टर अपने पास रखें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास ये सारे के सारे हथियार होने चाहिए। उसके हथियार हैं पेन हुआ, तरह तरह के पेन हुए, पेंसिल हुआ, रबड़ हुआ, जो भी चीज़ उसको इस्तेमाल में आती है, खास करके कॉपी, साफ सुथरी कॉपी नोट्स के लिए। तो चलिए पहला तरीका था, अब इसका हम दूसरा तरीका समझते हैं। देखिए भैया कि पहले बर्तन का पानी दूसरे बर्तन में डाला, दूसरे बर्तन का पानी तीसरे बर्तन में डाला, यही सब कुछ हुआ। ओके, अब लास्ट में बचा 12 लीटर, 12 लीटर और 12 लीटर, जो कि प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब भैया पहले का पानी दूसरे में डाला, दूसरे का पानी तीसरे में डाला, तीसरे का पानी चौथे में डाला, चौथे का पानी पाँचवें में डाला, करते रहे तीनों बर्तनों को आपस में कुछ ना कुछ घाल घुसेड़ करते रहे। अंत में बचा कितना? अंत में बचा तो 12 ना, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो 12 3 36। इसका मतलब अगर लास्ट में 36 लीटर पानी बचा है, तो दिखती सी बात है भैया शुरू में भी 36 लीटर ही पानी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने पानी वेस्ट थोड़ी करा है, आपने पानी ढोला थोड़ी है, आपने तो केवल शिफ्ट करा है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से फिर पहले में, फिर दूसरे, फिर तीसरे में, कितनी बार भी स्टेप कर लो होगा तो 36 ही ना। क्योंकि ना तो हमने पानी ढोला है और ना हमने बाहर से कहीं पानी मंगाया है, मतलब ना तो हमारा इंपोर्ट हुआ है ना हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। 36 विल बी 36 विद नो चेंज, तो 36 का 36 ही आएगा। तो देखिए सेकंड मेथड जो मैं शुरू कर रहा हूँ, ये मेथड है साथियों स्टार्ट और एंड, ये हमेशा सेम होने चाहिए। तो अगर लास्ट में 36 लीटर है तो शुरू का टोटल भी 36 लीटर होना चाहिए। जी हाँ, तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन, क्या पहले ऑप्शन का टोटल 36 लीटर है? 18 और 6 और 12, 18 6 और 12 36 होता है, तो इसे हम होल्ड पे रख लेंगे। दूसरा 15 10 11 भी 36 होता है, इसे भी होल्ड पे रख लेंगे। 20 7 और 8, ये साहब 36 नहीं होता है, इसे हम बिल्कुल साफ कर देंगे, ये 35 होता है, 20 7 और 8 35। 13 और 4 17 और 19 36, ये भी सही है साहब, बिल्कुल ओके है। तो देखिए सेकेंड स्टेप, सेकेंड मेथड पर जब मैं आया
तो सेकंड मेथड पे पहले मैंने ट्राई करा स्टार्ट और एंड, इससे बात नहीं बनी, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा साथियों, मैं डिविजिबिलिटी चेक करूँगा। डिविजिबिलिटी आप जानते हैं राज की बात होती है, सभी चैप्टर्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आती है, विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी। देखिए प्रश्न अगर हम पढ़ना शुरू करें और प्रश्न पढ़ते ही हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारा आंसर पॉइंट में तो आ ही नहीं रहा, तो पहली बार जो पानी निकाला वो 1/5 निकाला। किस में से 1/5 निकाला? पहले बर्तन में, जिसका मतलब हुआ पहले बर्तन में 5 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या 18 में 5 का भाग जाता है साहब? नहीं जाता है। क्या 15 में 5 का भाग जाता है साहब? जाता है। क्या 13 में 5 का भाग जाता है साहब? नहीं जाता है। थर्ड ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो टोटल वाले मामले में पहले ही बाहर हो चुका है। ऑल क्लियर? तो देखिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो है 15, 10 और 11। तो साथियों मेरा आंसर क्या होगा? 15, 10, 11, दैट्स इट, आ गया मेरा फाइनल आंसर। ऑल क्लियर? चलिए अब यहाँ पर चलिए एक बार मैं वापस ले चलता हूँ आपको पूरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए पूरा क्वेश्चन क्या था? पूरा क्वेश्चन था कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले बर्तन का पानी दूसरे में गया, दूसरे बर्तन का पानी तीसरे में गया, तो हम लास्ट स्टेप से शुरू करेंगे कि अगर 1/13 पानी निकाला है तो बचा 12/13, वो 12 के बराबर है। ऐसे करके हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। फिर इस स्टेप पर आए तो 1/5 निकाला तो बचा 4/5 जो कि 12 के बराबर है, और फिर हमने ए निकाल ली, हमें तीनों वैल्यू मिल गई 15, 10 और 11। तो मैं समझता हूँ ये सब लिखने करने में आपको 2-4-5 मिनट लग ही जाएंगे, इससे कम तो लगेगा ही नहीं। बहुत स्पीड से करोगे तो भी 2 मिनट तो आपको एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप स्टार्ट और एंड चेक कर लें 36 और 36, तो एक ऑप्शन तो उससे कट गया। फिर आप डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो भी आपका एक ही ऑप्शन जिंदा बचा। अब विद्यार्थी के मन में एक संदेह आता है कि सर यदि ऐसा हुआ, इफ इट हैपन्स कि दो ऑप्शन डिविजिबल हों या फिर नन ऑफ दीज अवेलेबल हो, तो देखिए उसका भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आगे ले चलते हैं आपको, देखिए आप शीट में देखेंगे तो शीट में भी आपको ऐसे सब क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं जिसमें कि नए नए ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन अपना पूरा पढ़ा हुआ है, हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। तो देखिए 1/5 पानी निकाला, 1/13 पानी निकाला, लास्ट में 12 लीटर 36 लीटर बचा। अब अगर मैं वापस सेकेंड मेथड पे आता हूँ और सेकेंड मेथड से मैंने चेक करा, सबसे पहले क्या स्टार्ट और एंड इक्वल होना चाहिए। तो देखिए पहले का टोटल 36 है, दूसरे का 36 है, तीसरे का 36 नहीं है, चौथे का 36 है, और पाँचवा हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि तो नन ऑफ दीज है। दूसरे पर मैं आता हूँ, दूसरा मैंने चेक करा कि ए बर्तन में 5 का भाग जाना चाहिए, तो साहब पहले ऑप्शन में नहीं जाता, दूसरे में जाता है, तीसरे में नहीं जाता। अब विद्यार्थी अटक गया कि भैया अब मैं नन ऑफ दीज भी तो कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। तीसरा स्टेप आप डायरेक्ट काम लें, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को रिवर्स, मैं ये रिवर्स कहूँ बल्कि मैं कहूँ सीधा सॉल्व कर लीजिए। रिवर्स क्यों? देखिए जो प्रॉपर तरीका है वो तो रिवर्स चलता है कि तीसरे स्टेप से शुरू करो, फिर पहले दूसरे स्टेप से शुरू करो, फिर पहले स्टेप पर आओ, फिर आपको अपना आंसर मिलेगा। ठीक है, क्यों ना जब मैं इसे ऑप्शन से कर रहा हूँ तो मैं ये तो श्योर हूँ कि पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। अब मुझे प्रॉब्लम क्या है कि भैया तो दूसरा हो सकता है, और दूसरा नहीं हुआ तो फिर नन ऑफ दीज हो सकता है। तो बहुत आसान है, 15, 10 और 11 लिखो। 1/5 होता है 15 का, 3 इसमें से माइनस करा, 3 इसमें जोड़ा, हम जानते हैं ये एज इट इज आएगा 11 का 11। अब इसका 1/13 होता है, 1 इसमें माइनस किया, 1 इसमें जोड़ा, तो ये 12, 12 और 12 ये हो गया मैच। और जैसे ही साथियों ये मैच हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए सुपर फास्ट तरीके से ही काम करता है। तरीका क्या है कि आपको ऑप्शन के सारे चलना है। ध्यान रखें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट और एंड से चेक करें कि टोटल इज इक्वल टू टोटल, टोटल मस्ट बी इक्वल टू टोटल, टोटल तो बराबर होना ही चाहिए। दूसरा अगर उसमें से सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, सेकंड मेथड पर आप आएंगे, सेकंड मेथड आप देखेंगे डिविजिबिलिटी। ध्यान रखें ये डिविजिबिलिटी आप हमेशा केवल पहले वाले बर्तन से देखें, केवल और केवल पहले वाले बर्तन से, और पहले वाले बर्तन के पहले स्टेप में देखें 1/5। क्लियर? क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे कि 15, 10 और 11 में आपको लगा कि भाई हमने ऑप्शन नंबर सेकंड उठाया, तो 15 में तो 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल सही है। आप सोचो 10 में 13 का भाग जाना चाहिए तो वो असंभव है क्योंकि ये दूसरा स्टेप है और हमें बताना है 0 नंबर का स्टेप। तो 0 नंबर के स्टेप की तुलना हम पहले नंबर के स्टेप से तो करेंगे कि वहाँ पर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ना कि डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए बी। क्लियर है? ये तो दूसरे स्टेप के बाद डिविजिबल होगा। ऑल ओके, डन। तो साथियों ये इसकी बेस्ट ट्रिक है कि आपको इसे ऐसे ही अप्रोच करना है, ये ऐसे ही बेस्ट रहेगा। ऑल ओके, इसमें आपके पास होमवर्क करने को है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो ठीक है, पर आपने सीख लिया,
भैया प्रैक्टिस कैसे करोगे? एसजी क्लासेस अजमेर की खास बात है कि हम प्रैक्टिस भरपूर देते हैं। देखिए 8, 9, 10, 11, 12 पांच ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने परीक्षा में आ चुके हैं, परीक्षा में आते रहते हैं, और आपको कैसे अप्रोच करना है वो सब कुछ आपको इसके बारे में पता होगा। तो साथियों होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क आपको करना है 108 से लेकर के 112 तक। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे पीडीएफ डाउनलोड करनी है, सब मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप बहुत इजीली उसे चेक करके अपने अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं कराया फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथियों व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, स्टोरी पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी एजुकेशन पहुँचे। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है और भलाई का नतीजा भला ही होता है। कर भला तो हो भला। आज आप किसी की मदद कर रहे हो, कल कोई आपकी मदद करेगा, सिंपल है। अगर अपन किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो अपनी हेल्प कौन करेगा? ऑल ओके। तो साथियों वीडियो शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं कराया फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद और जय भारत।